नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैट टू करेक्ट में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिम कमांड। ट्रिम एक बहुत ही यूजफुल कमांड है जो ऑटोकैड में 2D ड्राइंग में बहुत यूज की जाती है, जो एक्चुअली एक्स्ट्रा लाइनें जो होती है उनको ट्रिम करने के लिए यूज की जाती है। ट्रिम कमांड हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है टूल बार का। टूल बार जैसे कि आप यहाँ पे होम में जाके एक मॉडिफिकेशन पैनल में जाएंगे। मॉडिफिकेशन पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ट्रिम कमांड। आप इसे सिलेक्ट करके ट्रिम कमांड अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑप्शन भी आप यहाँ पे क्लिक करके ट्रिम और एक्सटेंड आप ये कमांड के ऑप्शन भी यहाँ पे टूल बार से यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है ट्रिम को यूज करने का कमांड के थ्रू। कमांड के लिए आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होता है TR प्रेस करने के बाद आपको TR इनपुट करने के बाद आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होता है एंटर करने के बाद आपकी ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाती है। ट्रिम कमांड बेसिकली मैंने आपको पहले बताया एक्स्ट्रा लाइंस को कट करने के लिए यूज की जा सकती है। जैसे कि आपने ट्रिम कमांड को हम जैसे कि ये एक्स्ट्रा लाइंस है मैं आपको डेमो के थ्रू बताऊंगा। तो हम ट्रिम कमांड को अप्लाई कर लेते हैं, TR कीबोर्ड पे इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करने के बाद बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल के लिए आपको अगेन एंटर करना पड़ता है। दो बार एंटर करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑल मतलब ये हर एक लाइन को इंटरसेक्ट किसी भी लाइन से कोई जो लाइन इंटरसेक्ट है या उसके सेंटर में उसको ट्रिम करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि मुझे ये एक लाइन है, दूसरी एक लाइन है, ये अभी ऑटोकैड में दिखा देता है। इस लाइन और इस लाइन के बीच के अगर मुझे ट्रिम करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ट्रिम हो जाएगी। सेम प्रोसेस अगर मैं ये लाइन और ये लाइन के बीच के मुझे ट्रिम करना है मैं क्लिक करूँगा, ये ट्रिम हो जाएगी। इस तरीके से आप ट्रिम कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये और ये लाइन के बीच में ये आर्क को अगर मुझे ट्रिम करना है मैं इसको क्लिक करूंगा, ये ट्रिम हो जाता है। इस तरीके से ट्रिम कमांड यूज की जा सकती है। ट्रिम कमांड में बाकी भी ऑप्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे और आपका ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग और ड्राइंग इम्प्रूव होती रहे। सेकेंड ऑप्शन ट्रिम कमांड में सीखेंगे। सेम प्रोसीजर से हम ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे। TR इनपुट करने का इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है फेंस। फर्स्ट ऑप्शन है फेंस। फेंस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपको फेंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं या यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं F इंटर करके आप फेंस को यूज करें। फेंस मतलब आपको एक माउस को क्लिक करना होता है और माउस को ड्रैग करना होता है। ड्रैग करने के बाद इसके बीच की जो भी लाइन होती है वो ट्रिम हो जाती है। जैसे कि मैं माउस को यहाँ से अगर मुझे ये लाइनें ट्रिम करनी है मैं इसको ऐसा ड्रैग करूँगा, एक लाइन ट्रिम हो गई, इसको ड्रैग करूँगा, सेकेंड लाइन ट्रिम हो गई, ड्रैग करूँगा, थर्ड लाइन ट्रिम हो गई। इस तरीके से फेंस कमांड यूज की जाती है। जैसे कि ये लाइनें सब ट्रिम हो चुकी है। सेकेंड इसमें ऑप्शन आता है क्रॉसिंग का, क्रॉस विंडो सिलेक्शन। जैसे अगर आप ऑटोकैड यूज करते हैं तो आपको आइडिया होगा क्रॉस विंडो सिलेक्शन क्या होता है। हम क्रॉस के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं या हम इनपुट कर सकते हैं सी एंटर करने के बाद आपको क्रॉस विंडो आ जाती है। आप क्रॉस विंडो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर ये लाइन ट्रिम करनी है मैं यहाँ पे यहाँ से क्रॉस विंडो लेके इसको ट्रिम कर सकता हूँ। ये लाइन ट्रिम नहीं हुई है क्योंकि ये लाइन सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे एक्सटेंड नहीं है इसलिए ट्रिम नहीं हुई। अगर मैं इसको आपको ट्रिम कर सकते हैं तो जैसे कि आपको अगर ये लाइन ट्रिम करनी है देखो ये सर्कल भी ट्रिम हो चुका है। अभी ये लाइन एक्सटेंड है इसलिए मैं इसको क्रॉस विंडो से ट्रिम कर सकता हूँ। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा हमने फेन, तो हम एज वाला ऑप्शन भी अभी हम सीखेंगे। मैंने आपके लिए एक ऐप लेके आया हूँ जो ऐप की डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में बिगनिंग फॉर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए डिजाइन ये आपको एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ऐप का नाम है डिजाइन गाइड जिसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये डिजाइन गाइड है, इसके अंदर आपको डिफरेंट जैसे कि हाउस के अंदर आपको रेजिडेंस के सोफा बेड डाइनिंग टेबल स्टडी टेबल और बाकी की साइजेस दी गई हैं। जैसे कि आप सिंगल सीटर सोफा की क्या साइज होती है वो आप MM में देख सकते हैं, इंचेस में देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ऑफिस के अंदर जाना है तो ऑफिस जैसे कमर्शियल में आपको मीटिंग टेबल है, मीटिंग टेबल में आपको रेक्टेंगुलर टेबल की क्या साइजेस होती है 4 सीटर 5 सीटर उसको आप MM इंचेस में दे सकते हैं। तीसरा आपको अप्लायंसेज जो यूज होते हैं बैक जाके आप अप्लायंसेज की भी साइज दे सकते हैं। जैसे कि आपको LED TV की क्या साइज होती है आप इंचेस MM में दे सकते हैं, कौन से साइज़ की 65 mm की क्या साइज होती है वो आप देख सकते हैं। इसमें कन्वर्टर यूनिट भी है जो आपको बहुत यूजफुल होता है आपके प्रोसेस में, वर्किंग ड्राइंग में, आगे डिजाइनिंग में आपको बहुत यूजफुल होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए, बहुत यूजफुल है।
आगे का ऑप्शन है एक्सटेंड, हम सीखेंगे सेम तरीके से हम ट्रिम कमांड इनपुट करते हुए एक्टिवेट कर लेंगे। डबल प्रेस करने के बाद यहाँ पे आता है एज ऑप्शन, एज ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्सटेंड। एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर आपको लाइन ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है बट ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इस लाइन के आगे की लाइन आपको ट्रिम करनी है, जैसे कि ये एज उसने डिटेक्ट कर ली है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगी, सेम प्रोसीजर ये ट्रिम हो जाएगी, अगर इसको मैं ट्रिम करना हूँ ये ट्रिम हो जाएगी, इस तरीके से इसको भी ट्रिम कर दे, ये लाइन के आगे गई हुई लाइन ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाती है। इसमें भी सेम प्रोसीजर, इस पहले इसके आगे की लगे लाइन और इसके आगे की गई हुई लाइन ट्रिम हो जाएगी। ये ऑप्शन है एक्सटेंड का। एक्सटेंड के बाद हम देखेंगे ट्रिम कमांड में एक और ऑप्शन होता है इरेज और अंडू का। जैसे कि इरेज का कमांड आपको अगर इरेज कमांड अलग से नहीं देनी है, आप कुछ लाइनें इसी में से डिलीट करनी है तो आप इरेज कमांड यूज़ करते हो वो लाइन डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इरेज कमांड यूज़ करते हुए मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ, या मैं ये चीज़ें लाइन ये तीन लाइनें मैंने अगर डिलीट कर दी, मुझे यूज में नहीं है, मैं डिलीट करके एंटर प्रेस कर सकता हूँ। या सेम चीज़ें अगर मैंने अंडू का ऑप्शन भी है, अगर मुझे अंडू करना है मैं यू को एंटर करके वापस वो लाइनें ला सकता हूँ। तो ये वीडियो, ये डिटेल वीडियो था ट्रिम कमांड से रिलेटेड, ट्रिम कमांड कैसे और कितने टाइप से यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपने देखा कि ये इरेज और अंडू भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी चार तरीके जो थे फैंस के, क्रॉस विंडो के और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट के या बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से जिससे आप ये ट्रिम कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।